रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग आपको आती रहे सारी नोटिफिकेशन। ये हमारा एक 2BHK G+2 के कंसेप्ट से रहेगा, जो 115 गज पे बना हुआ है। ये 124 सेक्टर में पड़ता है, जो ग्लोबल सिटी आ जाता है। ये हमारा बिल्कुल मेन रोड पे है, और इसके आगे हमारे शोरूम्स आए हैं, वो हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये हमारा 22x14 का रहेगा, जो काफी बड़ा आ जाता है। छोटी सी बालकनी आ जाती है, जहाँ पे हम अपना छोटा सा गार्डन एरिया भी बना सकते हैं। गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहेगा प्रॉपर। पीछे आप देख रहे हो हमारी टेक्सचर्ड वॉल आ जाती है, तो जैसे आप बेसिकली डिजाइन देख रहे हो टेक्सचर का, ये आपको प्रॉपर मिलेगा। ओपन हमारी किचन रहने वाली है, यहाँ पे 7x10 की हमारी किचन रहेगी, काफी बड़ी किचन आ जाती है। पर हमने प्रोविजन दिया हुआ गोल मेडल की हमारी फिटिंग आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिटिंग जो रहेगी वो सारी सेरा और जैगुआर की रहेगी, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी फिटिंग्स लगवाई। बेडरूम के साइजेस जो रहेंगे वो 10x13 के रहेंगे, काफी बड़े बेडरूम आ जाते हैं। वार्डरोब की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब रहेंगे। ये 8x6 का बाथरूम है, काफी बड़ा बाथरूम हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, तो काफी अच्छे तरह डिजाइन किया हुआ है। प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है एज कम्पेयर टू जो लोकेशन है, एंड जो हमारी यहाँ पे मेंटेनेंस हुई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 28,90,000 रुपए से शुरू है। अब गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिमरे सेल्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं, ये हमारा एक 2BHK G+2 के कंसेप्ट से रहेगा, जो 115 गज पे बना हुआ है। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं, ये 124 सेक्टर में पड़ता है, जो ग्लोबल सिटी आ जाता है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमारा एक जो मैकडॉनल्ड्स वाला रोड है, एक वो हमारी मेन रोड आ जाती है, और दूसरी जो रोड है वो पैरेलल इसके चलती है, जो हमारा सनी एन्क्लेव के अंदर से आती है। ये हमारा बिल्कुल मेन रोड पे है, और इसके आगे हमारे शोरूम्स आए हैं, सो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने लगी। अगर आपने कोई ग्रोसरी लेनी है या आपको कोई मेडिकल का सामान चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, यहाँ पे सारी शॉप्स आपकी अवेलेबल है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको पूरी वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर अपडेट रहे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी वीडियो के अंदर। मैं सबसे पहले जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हमारा ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। इसकी बात करूं तो ये हमारा 22x14 का रहेगा, जो काफी बड़ा आ जाता है, जहाँ पे आपको 7-सीटर इजिली आप अपना सोफा रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इजिली आपका एक टेबल फिटन हो जाता है, चाहे आपने राउंड टेबल रखना है या आपने स्क्वायर रखना है, जैसे भी रखना है। उसके बाद काफी वॉकेबल स्पेस आपके पास यहाँ पे बचती है। जहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको काफी बड़ी विंडो मिल जाती है, देख रहे हो एंड टू एंड हमारी विंडो आ जाती है। वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही है, यहाँ पे हमें साथ में डोर भी मिल जाता है, तो यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लेके जाना चाहूंगा, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक छोटी सी बालकनी आ जाती है, जहाँ पे हम अपना छोटा सा गार्डन एरिया भी बना सकते हैं, या अगर आपने टाइल्स लगवानी है आप टाइल्स लगवा सकते हैं। यहाँ पे हमारी पार्किंग आ जाती है, पार्किंग की बात करते हुए पूरी 40 फीट की हमारी रोड रहेगी, जहाँ पे हमारी एक गाड़ी इजिली पार्क हो जाएगी और 2 से 3 हमारे 2-व्हीलर पार्क हो जाते हैं। तो काफी एम्पल स्पेस है, गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहेगा प्रॉपर, और यहाँ पे आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं लेके चलूंगा हमारे डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आप इजिली अपना 4-सीट के डाइनिंग टेबल रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास काफी वॉकेबल स्पेस बच जाती है, और काफी एम्पल स्पेस है यहाँ पे, और इजिली यहाँ पे फिटिंग भी होता है हमारा डाइनिंग टेबल। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे पीछे आप देख रहे हो हमारी टेक्सचर्ड वॉल आ जाती है, तो जैसे आप बेसिकली डिजाइन देख रहे हो टेक्सचर का, ये आपको प्रॉपर मिलेगा इसी के अंदर इंक्लूडेड, जो आप बेसिकली देख पा रहे हो। और यहाँ पे हमें ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है। फॉल सीलिंग की बात करें तो बहुत ही बेसिक फॉल सीलिंग रहेगी, एलिगेंट फॉल सीलिंग रहेगी, जहाँ पे हमारा थोड़ा सा वुडवर्क का काम हुआ है। कंसील लाइट्स लगी हुई है, जो प्रॉपर हमारी कंपनी फिटेड कंसील लाइट्स है, व्हाइट कलर की हमारी कंसील लाइट्स आएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोविजन आ जाते हैं फैन के, तो यहाँ पे प्रॉपर फैन बॉक्सेस भी लगे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा यहाँ पे मेन डोर। यहाँ पे जो हमारा मेन डोर रहेगा, जैसे मैंने कहा, एक एंट्रेंस तो हमारी यहाँ से बालकनी से आएगी, एक एंट्रेंस हमारी यहाँ से आएगी, जो हमारी यहाँ पे कॉमन सीढ़ियां आ जाती है। तो कॉमन सीढ़ियां से हमारी एक मेन एंट्रेंस आ जाती है, जहाँ पे हमारा पॉर्च एरिया रहता है। यहाँ पे भी चाहो तो आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हो, यहाँ अपना सिलेंडर और इन्वर्टर भी रख सकते हो, तो ये प्रॉपर एक स्टोरेज स्पेस बन जाती है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा हमारे किचन की तरफ, जो बिल्कुल हमारे डाइनिंग के साथ आ जाते हैं। ओपन हमारी किचन रहने वाली है, यहाँ पे 7x10 की हमारी किचन रहेगी, काफी बड़ी किचन आ जाती है। ये बेसिकली हमारी एल शेप में किचन आ जाती है, काफी सुंदर किचन है। यहाँ पे हमें ग्रेनाइट मिल जाता है, जो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट रहेगा। यहाँ पे डबल सिंक मिल जाते हैं, जो हमारे बेसिकली साउंड प्रूफ सिंक है, जो कोई भी साउंड आपकी नहीं आएगी जब आप अपने बर्तन यहाँ पे रखोगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिटिंग जो रहेगी वो सारी सेरा और जैगुआर की रहेगी, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी फिटिंग्स लगवानी है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे विंडो आ जाती है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी ज्यादा जरूरी आ जाती है। यहाँ पे हमारा आर ओ का प्रोविजन रहेगा, ऊपर हमारा जो रहेगा वो हमारा गीजर का प्रोविजन आ जाता है और यहीं से हमारा चिमनी का प्रोविजन भी हमें मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो व्हाइट और ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का हमने कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह डिजाइन है। ये प्रॉपर आपके सॉफ्ट टच कैबिनेट्स आ जाते हैं, आज की डेट पे सारे सॉफ्ट टच कैबिनेट्स ही यूज करते हैं, सो काफी अच्छी क्वालिटी के हमारे कैबिनेट्स आते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। यहाँ पे हमारा बेसिकली हम अपना फ्रिज रख सकते हैं, चाहे हमारा 500 लीटर का फ्रिज है या 300 लीटर का फ्रिज है, इसका प्रॉपर हमने प्रोविजन दिया हुआ है। गोल मेडल की हमारी फिटिंग्स आई हुई है यहाँ पे, सो कंपनी सारी हमारी फिटिंग्स है और अच्छा डिजाइन किया हुआ पूरा हमारा किचन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बेडरूम की तरफ। बेडरूम के साइजेस जो रहेंगे वो 10x13 के रहेंगे, काफी बड़े बेडरूम आ जाते हैं। 2.5x2 टाइलें, 32x32 की टाइल यहाँ पे हमने लगाई हुई है, काफी बड़ी हमारी टाइल आ जाती है, व्हाइट कलर की सोबर टाइल है। यहाँ पे काफी सुंदर बेडरूम है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे हमारा किंग साइज बेड आ जाता है जिसके साथ ही हमें पीछे एक टेक्सचर्ड वॉल मिल जाएगी। ये डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपने वॉलपेपर लगाना है, टेक्सचर्ड वॉल लगानी है, जैसे आपका प्रेफरेंस है, जैसा आपका टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ऑपोजिट वॉल पे हमारा यहाँ पे टीवी पैनल आ जाता है जो पूरा हमारा छत तक रहेगा। यहाँ पे हमारे गोल्ड मेडल की हमारे स्विचेस आ जाते हैं। वार्डरोब्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स रहेंगे, और जो स्पेस की बात करूँ तो एम्पल स्पेस है, काफी अच्छे हमारे यहाँ पे कैबर्ड्स बने हुए हैं, ऊपर हमें स्पेस मिल जाती है, चाहे हमने विंटर स्टोरेज करनी है या समर स्टोरेज करनी है, इजिली हम ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टच है वो भी सारे सॉफ्ट टच हमारे आ जाते हैं कबर्ड्स, सो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये सारे कबर्ड्स मिलेंगे। व्हाइट कलर का सरमाइका इस्तेमाल किया हुआ, नीचे शू गार्ड भी हमें मिल जाता है। हमें यहाँ पे जो है फॉल सीलिंग भी इंक्लूडेड मिलेगी, जो हमारी बेसिक फॉल सीलिंग रहेगी, सुपर फॉल सीलिंग है, व्हाइट कलर की हमारी लाइट रहती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एसी की पाइपिंग भी आ जाएगी जो बेसिकली हमारे कॉपर वायर है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा बाथरूम जो काफी बड़ा है, ये 8x6 का बाथरूम है, काफी बड़ा बाथरूम हमें मिल जाता है, जहाँ पे हमारी ग्रे कलर की टाइल्स लगी है 2x4 की जो पूरे 10 फीट तक लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छी टाइल्स है, कच्ची लाइट्स हमारी लगी हुई है। यहाँ पे हमें वॉल माउंट सीट मिल जाएगी, हमारा यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाता है, और यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा वो हमारा शावर की फिटिंग्स आ जाएगी जो प्रॉपर आपकी जैगुआर की और सेरेट फिटिंग्स रहेगी। इसके बाद हमारे यहाँ पे विंडोज आ जाते हैं, विंडोज भी काफी बड़े हैं ताकि वेंटिलेशन और सनलाइट का कोई भी दिक्कत ना पड़े। उसके बाद मैं लेके जाना चाहूंगा आपको हमारे वॉशिंग एरिया पे, इसलिए अपनी एक वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और इसको एज ए ड्राई एरिया यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की साइज की बात करूं तो वो भी हमारा 13x10 का रहेगा, काफी बड़ा हमारा यहाँ पे बेडरूम आ जाता है 13x10 का, जहाँ पे पीछे हमें टेक्सचर्ड वॉल मिल जाएगा या वॉलपेपर जैसे भी आपको सूट करता है वैसे अपने अकॉर्डिंगली ही करवा सकते हैं यहाँ पे काम। यहाँ पे भी हमारे सेम सिमिलर टाइप के कबर्ड रहेंगे जो व्हाइट कलर के रहेंगे, और ये सारे जो है हमारे स्लाइडिंग रहेंगे क्योंकि सारे जो है हमारे सॉफ्ट टच कबर्ड आ जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इस वाले सेक्शन में जहाँ पे हमारा टीवी पैनल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, सो काफी अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ है, सो आप ड्रेसिंग टेबल वहां रखने की बजाय वहाँ पे प्रॉपर अपने कवर्स की यूटिलाइजेशन करो और ड्रेसिंग टेबल इस साइड पे आप रख सकते हो, काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। उसके साथ हमारा एक विंडो आ जाती है, वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए तो मस्ट है ही है ये विंडो। फिर मैं लेके चलूंगा हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ, ये भी जो रहेगा 8x6 का रहेगा, काफी बड़ा हमारा वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे भी टाइल जो है वो पूरी 10 फीट तक हमारी लगी हुई, कंसील लाइट्स के साथ जो फिटिंग आ जाएगी वो जैगुआर की फिटिंग आ जाएगी, वॉल माउंट सीट आ जाएगी, हमारा वॉश बेसिन आ जाएगा और हमारी यहाँ पे सारी जो भी रहेगी शावर फिटिंग रहेगी, तो काफी अच्छा डिजाइन है और काफी बड़ा भी है बाथरूम। उसके बाद हमें यहाँ पे विंडो भी मिल जाती है। अब मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमारा 115 गज में रहने वाला है जो हमारा 2 बेडरूम आ जाएगा। ये G+2 के कंसेप्ट से है, मेन रोड की बात करूँ तो 40 फीट की रोड आ जाती है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमारा जो मेन मैकडॉनल्ड्स वाला हाईवे आता है खरड़ वाला, वहां से इसकी कनेक्टिविटी है, और दूसरी जो कनेक्टिविटी है वो हमारी सनी क्लेव से आती है। मेन 200 फुट रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर जाके ये प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल सिटी में पड़ता है 124 सेक्टर में। यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो 2 बेडरूम मिलेंगे विद अटैच वॉशरूम, काफी बड़ा किचन मिल जाएगा, काफी बड़ा ड्रॉइंग डाइनिंग मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी डिटेल्स नहीं है, आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हो,
प्राइसिंग की बात करूं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है एज कम्पेयर टू जो लोकेशन है एंड जो हमारी यहाँ पे मेंटेनेंस हुई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 28,90,000 रुपए से शुरू है। आप जल्दी से जल्दी हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी बुकिंग करा सकते हो और अपनी विजिट बुक कर सकते हो। बाकी हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है और हमारा यहाँ पे वेबसाइट आया है, यहाँ पे भी जाके आप सारी डिटेल्स इनकी ले सकते हो। बाकी हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आपको सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा इसको लाइक करो, शेयर करो और मैक्सिमम कमेंट्स करो अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।